हेलो, आज हम बनाएंगे कलेजी। सबसे पहले हम टमाटर काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट लिया है। धनिया पत्ता को अच्छी तरीके से धो के काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च को बीच से काट लिया है। प्याज को भी अच्छी तरीके से काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बाउल में धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कलेजी को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम गैस ऑन करके एक पैन ले लेंगे। पैन अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसे ढक के ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, इसमें हम कटी हुई टमाटर डाल लेंगे। टमाटर को ढक के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है, अब हम इसमें कलेजी डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 केजी कलेजी यूज किया है। कलेजी को थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। कलेजी अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद उसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। मसालों में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से भून चुका है। अगर आपको सालन वाला चाहिए तो इसमें पानी डाल लें। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के पका लेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब ये अच्छे से पक चुका है। अब कलेजी बनके रेडी है।